नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के गांव कंगनपुर में निर्माणाधीन चर्च गिरजाघर को तोड़ने के मामले में आक्रोशित ईसाई समाज 6 सितंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा को सुभाष चौक में काले झंडे दिखाएगा। इसी सिलसिले में आज ईसाई समाज के लोगों ने आज निजी रेस्तरा में पत्रकार वार्ता की और आक्रोश की आगामी रणनीति भी बनाई। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। पत्रकार वार्ता में क्रिश्चियन मूवमेंट हरियाणा के अध्यक्ष पॉल इंद्रजीत खोकर ने कहा कि ईसाई धर्म के लोगों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। कंगनपुर में चर्च एवं गिरजाघर पिछले एक साल से संचालित था, लेकिन नगर योजना विभाग योजनाकार विभाग की एक योजनाबंद तरीके से चर्च को तोड़कर क्रॉस को गिराकर उनकी बेअदबी की है, जिससे ईसाई समाज में रोष है। पूरे मामले को लेकर के उपायुक्त सिरसा से गुहार लगाई गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच DSC ADC सिरसा को सौंपी गई है। उन्होंने पहले भी पूरा मामला गंभीरतापूर्ण सुना था, लेकिन अब मामले में कार्रवाई को लेकर के बार बार टाइम बढ़ा रही है, जिससे पूरा मामला जाहिर है कि नगर योजनाकार विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने थेहड़ को तोड़ने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनके वहाँ पर भी मज़ार को नहीं तोड़ा गया। कंगनपुर में हमारी चर्च को तोड़ करके क्रॉस की बेअदबी की गई है, इसलिए सुभाष चौक में आयोजित जनसभा को काले झंडे दिखाए जाएंगे। हम अपने धर्म को लेकर के जान देने को भी तैयार हैं और धर्म पर कुर्बान होने को तैयार हैं। अगर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की होगी। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो ये मेरा हमारा सीधा सा आरोप है प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर कि सिर्फ हमें ही टारगेट किया जा रहा है। और हमारी ये मांग है, मांग ही नहीं है, प्रशासन को हमारी चेतावनी है कि अगर आज शाम या कल सुबह तक दोपहर तक जो दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया जाता, मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तो कल जो शाम को हरियाणा ये हमारे धार्मिक चिन्ह क्रॉस की बेअदबी की गई। हम तो बस यही कहते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारे भी मौलिक अधिकार है, कानून के तहत जो समानता का अधिकार है वो हमें भी दिया जाए, अन्यथा हम अब संघर्ष के लिए मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेवार प्रशासन और सरकार होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपसे है जी कंगनपुर नहीं, ये तो खुद की रजिस्ट्री है, आप देखना चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो रोड पे कंगनपुर से आपको क्या लगता है जी, किसके कहने पे ये कार्रवाई की गई है? यहाँ तो चर्च के नाम से नोटिस भेज रहे हैं और अखबार में बोल रहे हैं जी कि वहां तो निर्माण था वो गिराया है, तो इसको क्या कहेंगे आप? वही अधिकारी यहाँ तो कह रहे हैं कि वहां चर्च है अपने नोटिस में जो सरकार के रिकॉर्ड में है, और पेपर में बयान दे रहा है कि ये वहां तो चर्च था नहीं। आप मेरी बात को मत मानिए, लेकिन सरकारी कागज तो आप मानेंगे ना? तो ये इससे साफ साफ ये बू आ रही है कि ये साजिश है और निशाना बनाया जा रहा है। अगर इस अधिकारी के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होता तो कल शाम को खट्टर साहब का स्वागत हम ऐसे रीति से करेंगे कि आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। चाहे उसके लिए हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, जो मर्जी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने देखा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सिरसा में यहाँ कंगनपुर में जो निर्माणाधीन चर्च था, जो पिछले एक साल से वहाँ चर्च चल रहा था, और हमारे वहाँ पास्टर हैं न्यूटन दास जी जो चर्च चला रहे थे, तो इनको इनके पास उस जगह की रजिस्ट्री है, सब कुछ इनके पास है, इंतकाल है, लेकिन फिर भी इनको एक नोटिस दिया जाता है कि आपने जो ये चर्च का निर्माण किया है ये अवैध रूप से अवैध कॉलोनी है, इनको नोटिस भेजा जाता है। तो जब ये उस नोटिस के बाद में हमारे कुछ व्यक्ति वहाँ जाते हैं ऑफिस में ऑफिसर के पास, तो उन्होंने कहा जी ये किसी वजह से दबाव की वजह से, कुछ लोगों की दबाव की वजह से आपको नोटिस भेज दिया गया, पर आपको चिंता करने की डरने की ज़रूरत नहीं है, कि आपके आसपास भी उन्होंने बताया, मैं उनका बताना चाहूँगा आपको, उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ कॉलोनियाँ हैं जो उनके बताने से पता चला हमें भी कि कंगनपुर में भी बूटा कॉलोनी के पास एक कॉलोनी है वो भी अवैध है, शमशान घाट रोड पर एक कॉलोनी है वो भी अवैध है,
बाजे का कंगन रोड पर है ना, वहाँ भी एक कॉलोनी बनी हुई है और उसी कॉलोनी में रोड के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, जो भी कहा कि वो भी अवैध रूप से बना हुआ जिसकी परमिशन नहीं है। और उसी के साथ साथ सिर्फ निशाना बनाकर या प्रशासन की तरफ से या कुछ लोगों की तरफ से कूटनीतिक या साजिश के तहत एक टारगेट बनाकर समुदाय को, ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर नोटिस भेजा जाता है, तो सिर्फ चर्च को ही गिराया जाता है। बाकी वहाँ साथ में बने मकान हैं, मंदिर बने हुए हैं और भी बहुत सारे जो सभी धर्मों के धार्मिक स्थल बने हुए हैं सिरसा में भी, जिनके पास तो रजिस्ट्री भी नहीं है, है ना, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा हमारा आरोप है कि ये सरकार की शह पर और प्रशासन जानबूझकर एक अल्पसंख्यक समुदाय को, ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है। ये हमारा सीधा सीधा आरोप है इनके ऊपर। हम यही यह मांग करते हैं कि जो भी दोषी अधिकारी जिन्होंने साजिश के तहत ये काम किया है तो उनके खिलाफ बनती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। और हमारी ये मांग है, मांग ही नहीं है, प्रशासन को हमारी चेतावनी है कि अगर आज शाम या कल सुबह तक दोपहर तक जो दोषी अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया जाता, मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तो कल जो शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी सिरसा में आ रहे हैं अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के साथ, तो ईसाई समुदाय उनका सिरसा में जहां की सभा है सिरसा में, उस जगह काले झंडों के साथ हम उनका अपना विरोध दर्ज करेंगे, अपना उनके खिलाफ उनके सरकार के विरोध में, प्रशासन के विरोध में अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। इसके इस कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का कभी कोई सांप्रदायिक माहौल या तनाव पैदा होता है, किसी प्रकार का कोई नफा नुकसान होता है, उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन सिरसा की होगी।